और अब बात करेंगे शिक्षकों के सम्मान की, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शिक्षा की गुणवत्ता, इनोवेशन समेत पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए देश के करीब 46 शिक्षकों को आज नेशनल टीचर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज विज्ञान भवन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों के शिक्षकों को सम्मानित किया। और इस दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। श्री सत्यन कुमार रॉय नागालैंड, पप्पू हरिजन बिहार। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यानी कि गुरुवार को लोकभवन में शिक्षक दिवस पर माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया। योगी ने कहा कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के कदम को स्कूलों में डिबेट के माध्यम से बताया जाना चाहिए। शिक्षकों को बताना चाहिए कि अनुच्छेद 370 का विरोध श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्यों किया था। इस अवसर पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ कारवाक के मुख्य सचिव आर के तिवारी भी मौजूद रहे थे। सम्मानित शिक्षकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति 31। क्या ये किसी शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है कि देश और समाज के अंदर घटित होने वाली घटनाओं के बारे में हम अपने विद्यालयों में उन बच्चों को भी अवगत करा सकें? शासन की किसी अच्छे प्रोग्राम के बारे में आप उन बच्चों को अवगत करा सकें? देश के अंदर अभी पिछले दिनों बहुत सारे उत्कृष्ट निर्णय हुए हैं, उसमें से कुछ निर्णय एक कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय भी रहा है। क्या हम अपने छात्र छात्राओं को अपने विद्यालयों में इस पर एक डिबेट करा करके प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के अभिनंदन का कोई पत्र भेजने की प्रक्रिया को हमने अपनी संस्थाओं में अपनाया कि हम अपनी संस्थाओं में इस पर डिबेट कराते? धारा 370 क्या है? धारा 370 के खिलाफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अनशन क्यों किया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने धारा 370 का विरोध क्यों किया? सरदार पटेल आसानी से इसको क्यों नहीं बचा पा रहे थे? ये सारी चीजें तीनों महापुरुषों के द्वारा धारा 370 के खिलाफ जो बातें कही गई उसको हटाने में उसके बावजूद भी 70 वर्ष क्यों लगे? और धारा 370 हटने के बाद क्या देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कही है, वह एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में हम कितने आगे बढ़े हैं, इस पर एक बेहतर चर्चा हर शिक्षण प्रशिक्षण संस्था में हो सकती है।